हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे सनमाइका किस तरीके से आप किया जाता है। अब बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपके घर में पुराने फर्नीचर हो, अगर उसका माइका गंदा हो गया हो, तो आप इस तरह क्लीन कर सकते हैं। वो भी बहुत 50-60 रुपए में क्लीन कर लेंगे। दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट से आपको एनसी थिनर ले लेना है, कोई भी कंपनी का हो दोस्तों, कोई बात नहीं। और एक पुडिंग पत्ती ले लेना है 3 इंच की, या आपको 5 रुपये या 6 रुपये की मिल जाएगी। एक कॉटन कपड़ा ले लेना है और पानी लेना है। पहले दोस्तों पुडिंग और पहले पत्ती और पानी से साफ़ कर लेंगे हम। इस तरह साफ़ करना है दोस्तों, जिस तरह हम वीडियो में दिखा रहे हैं। जो भी गंदगी हो दोस्तों, पहले पानी में लगा कर अब पत्ती से खोज खोज कर साफ़ कर लेना है इस तरह से। पत्ती को हल्के हाथों से चलाना है दोस्तों, नहीं तो इस सनमाइका में स्केच आ जाएगा। दोस्तों, इसी तरह साफ़ करना है आपको। अगर आपके घर में पुराने फर्नीचर हैं, अगर उनका सनमाइका गंदा हो गया हो, तो दोस्तों इसी तरीके साफ़ कर लीजिएगा 50-60 रुपए में। दोस्तों, ये एनसी थिनर है, एनसी थिनर से अब हमको उसको पोंछना है। पत्ती और पानी साफ करने के बाद हम एनसी थिनर से इसको साफ़ कर देंगे, हमारा माइका एकदम क्लीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्लीन हो रहा है माइका। जो भी दाग धब्बे हों, वो एनसी थिनर से साफ़ हो जाता है। और इसको रगड़ रगड़ कर साफ़ करिए दोस्तों, तभी जो दाग धब्बे लगे होंगे वो छूट जाएंगे और एकदम नया हो जाएगा। अगर आपका माइका पुराना हो चुका है, एकदम माइका नया हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी एकदम क्लीन हो चुका है, एकदम फाइनल हो चुका है। देखिए एकदम साफ़ हो गया है ये। इस तरह से आपको साफ़ करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, टेक केयर।